नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये व्रत न केवल जीवन में सुख शांति, भौतिक सुख, कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर एकादशी व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। 11 जून 2022 को निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक वर्ष के दरमियान जितनी भी एकादशी आती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को सभी तीर्थों में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद यमदूत लेने नहीं आते, अपितु सुंदर विष्णुदूत स्वयं उन्हें वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आते हैं। इस एकादशी का पालन करने के बाद यदि कोई व्यक्ति दान देता है, जल दान देता है या किसी भी प्रकार का दान देता है, तो वह व्यक्ति अपने पूर्व सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जैसे उसका एक नया जन्म होता है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो और उसके पाप की राशि मेरु पर्वत जितनी विशाल भी क्यों ना हो, फिर भी सिर्फ यही एक निर्जला एकादशी व्रत है जिसके पालन करने से उसके पूर्व अर्जित सभी पाप जल कर भस्म हो जाते हैं। इतनी शक्ति इस निर्जला एकादशी में समाविष्ट है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि निर्जला एकादशी इतनी अधिक पवित्र है कि उसका पालन करना तो छोड़ो, यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण या पठान भी करता है तो उसे अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को तर्पण करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन आप जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, चाहे वे अधिक महामंत्र का जाप हो, संपूर्ण दिन बिना जल के किया गया उपवास हो या फिर संयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान हो, अर्थात आपके इस भौतिक शरीर का नाश होने के बाद भी ये निर्जला एकादशी के दिन किए गए कार्यों का पूर्ण फल आपके साथ सदैव रहेगा, उसका नाश नहीं होगा। और क्या आप जानते हैं कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की कथा सुनने का बहुत ज्यादा महत्व है। यदि व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनता है, वे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान देने का तुल्य फल प्राप्त करता है। गर्ग संहिता में नारद मुनि ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है और फिर उसे जो फल प्राप्त होता है, उतना ही फल वे निष्ठा पूर्वक और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करके अर्जित कर सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ दिनों में आने वाली निर्जला एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है, यानी आपको एक दुर्लभ अवसर मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस व्रत के समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युवाओं से चला रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां विघ्न आ सकते हैं, बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है, तो सुबह जो पहली रोटी बनती है वह अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वे गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे।
दोस्तों, कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं, तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आपको क्या खिलाना चाहिए। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वे जानते हैं। नंबर एक, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वे नहीं खिलानी है। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं है तो रोटी रखी रह जाती है, फिर अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान हो जाता है, वे रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी ना खिलाएं। नंबर दो, गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताज़ा हो या बचा हुआ भूल कर भी गाय को मत पिलाएं। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है और माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं गाय से जुड़े कुछ शुभ संकेत। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारती है। गाय लाखों युवाओं का वे पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो, वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वे जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी असुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में काफी सारे संकट अपने आप दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ और बातें हैं जिनका आपको निर्जला एकादशी के दिन ध्यान रखना है। नंबर एक, निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत का संकल्प करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। नंबर दो, निर्जला एकादशी के दिन व्यक्ति को मांस, मदिरा, तामसिक भोजन पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही करें। नंबर तीन, एकादशी से एक दिन पहले पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, जिससे यदि आप एकादशी निर्जल व्रत रख रहे हैं तो शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। नंबर चार, निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। नंबर पाँच, निर्जला एकादशी पर व्यक्ति को पानी का दान करना चाहिए और किसी प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। नंबर छः, यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत ना रखें, वरना समस्या बढ़ सकती है। नंबर सात, निर्जला एकादशी के दिन गरीबों को दान, भूखे को खाना और किसी पेड़ के नीचे पशु पक्षी के लिए पानी और दाना जरूर रखें, इससे अनंत फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।